दोस्तों, यूनिका लाइन में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम आप सभी को बताएंगे कि एमएस वर्ड में अगर टेक्स्ट बॉक्स को मंगाना हो, जैसे हम लोग प्रिंट में टेक्स्ट बॉक्स मंगाते थे, वैसे अगर हमको एमएस वर्ड में टेक्स्ट बॉक्स को मंगाना हो तो कैसे मंगाएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, एमएस वर्ड को ओपन करते हैं। किसको ओपन करेंगे? एमएस वर्ड, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, एमएस वर्ड को ओपन करेंगे। तो हमारा एमएस वर्ड ओपन हो गया। एमएस वर्ड ओपन होने के बाद अब हम क्या करेंगे, किस पे जाएंगे बताइए। एमएस वर्ड ओपन होने के बाद हमको क्या मंगाना है, टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कराना है। तो हम जानते हैं जब इंसर्ट कराने वाली चीज है तो हमारा इंसर्ट मेनू में होगा, तो इंसर्ट मेनू में जाएंगे, ठीक है। इंसर्ट मेनू में जाने के बाद हमारा कहाँ पे जाना है, टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। इधर टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे। अब जो भी टेक्स्ट बॉक्स आपको चाहिए उस टेक्स्ट बॉक्स पे आप क्या करना है, क्लिक कर दीजिए। देखिए टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। टेक्स्ट बॉक्स आने के बाद अब अगर लिखना हो तो क्या करेंगे, इस पे लिख सकते हैं। देखिए जो भी आपको लिखना हो इस टेक्स्ट बॉक्स पे क्या करिए, लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे मंगाना है एक बार और देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, एमएस वर्ड ओपन करते हैं। ओपन होने के बाद इंसर्ट मेनू पे जाएंगे। इंसर्ट मेनू पे जाने के बाद टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, ठीक। टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करने के बाद तो हमारा, ठीक, टेक्स्ट बॉक्स पे क्या करना है, क्लिक करना है। देखिए इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, अब जो भी आपको टेक्स्ट बॉक्स चाहिए उस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद अब यहाँ जो भी आपको टाइप करना है उस चीज को क्या करिए, टाइप करते हुए चले जाइए। अगर कलर करना है फिल, जो भी आपको कलर वगैरह करना हो तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं टेक्स्ट का, सब कुछ का, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं। सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया तो अच्छी बात है। नहीं आया, अगर नहीं लगा पाइएगा तो कमेंट करिएगा। हम मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।